वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रिक ब्लास्ट से मुतल्लिक के इसको किस किस जगह पे इस्तेमाल करना चाहिए और इससे मुतल्लिक यानी कि इंफॉर्मेशन मैं दूंगा आज आपको। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये है क्या चीज़। जो हमारे पास जो ईंट का कचरा होता है यानी कि जो बिल्डिंग बन रही है हमारे पास और ईंटों का जो टुकड़े या रोड़ा बचता है उसको हम मज़ीद छोटे छोटे पीसीस में तब्दील कर लेते हैं। तो पीसीस में तब्दील करने के बाद इसको जो हम कहते हैं इसको ब्रिक ब्लास्ट हम कहते हैं, ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है। दूसरी बात है कि इसे किस किस जगह पर आपको इस्तेमाल करना चाहिए। जो मेरा जो ओपिनियन है इसके मतलब, आपको इसको ग्राउंड फ्लोर यानी मिट्टी के ऊपर बराह रास्त इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब आप इसको मिट्टी के ऊपर बराह रास्त इस्तेमाल करते हैं तो क्योंकि ये जो पत्थर है, ये जो ब्रिक ब्लास्ट जो आपको नज़र आ रहा है सामने, ये नमी को अब्सॉर्ब करता है और ये जो है ना बाद में रिलीज़ करता रहता है आहिस्ता आहिस्ता। और आपने अक्सर देखा होगा कि फ्लोरिंग के ऊपर जो कलर की तरह की एक तय आ जाती है। तो ये मेरा मशवरा है कि इसको आप बराह रास्त ग्राउंड फ्लोर पे मिट्टी के ऊपर इस्तेमाल ना करें। दूसरा, इसको आप इसका इस्तेमाल जो है वो आप इसको किसी भी स्लैब के ऊपर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर या फिर बेसमेंट की स्लैब के ऊपर आप इसको इजीली इस्तेमाल करें तो ये बेहतरीन यानी कि आपको यानी कि मटेरियल है इस्तेमाल के लिहाज से, क्योंकि इसका एक तो वेट कम है जिसकी वजह से स्ट्रक्चर अच्छा रहेगा। दूसरा, इसका जो है वो इसकी कॉस्ट जो है, कॉस्ट इसकी बहुत कम है यानी कि जो आपके पास ईंटों का कचरा बचा हुआ है उसी को आप इस्तेमाल में लेके आ रहे हैं, इसकी वजह से इसकी कास्ट बहुत फ्रेंडली है। तीसरा, ये जो है ये मिल आसानी से जाता है, आपको किसी दूसरी जगह नहीं जाना पड़ता या फिर आप किसी भट्ठे वाले से ही रابطہ करके मंगवा सकते हैं इसको। आप उनके पास भी ईंट का कचरा पड़ा होता है, उनसे रابطہ करके भी आप मंगवा सकते हैं इसको।